हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करें इंडियाज बिगेस्ट एक्शन ड्रामा फिल्म यानी ट्रिपल आर की। तो दोस्तों, 4 बजे ट्रेलर आना था लेकिन 5 घंटे पहले ट्रेलर आ चुका है। कुछ मत सोचो, कुछ मत देखो, जाके ट्रेलर देखो। इज द मास्टर क्लास्ट माइंड ब्लोइंग ऐसे साजा मौली सब आपने किस लेवल का ट्रेलर बना। इसका हर एक एक सीन हम लोग फ्रेम करके रख सकते इस लेवल का ट्रेलर, शुरुआत से लेके अंत। इसके अंदर बहुत कुछ ऐसा दिखा के भी हमें नहीं दिखा है, मतलब कटिंग जो किया गया ना ट्रेलर का इस माइंड ब्लो। और ट्रेलर के अंदर जो जो चीजें दिखाई गया है, मैं कुछ भी कहूंगा वो शब्द कम पड़ेंगे। विजुअल्स, ग्राफिक्स, कटिंग, जिस तरीके से इसको शूट किया गया, जिस लेवल पे इसको शूट किया गया, जो कैमरा एंगल्स लिए गए हैं, जो फ्रेम यहाँ पे दिखाया जाए, जो स्टारकास्ट की परफॉर्मेंस थी, वो जूनियर एंटी या रामचरण, भाई इट्स अ माइंड ब्लोइंग। और मैं दावे से कह सकता हूँ, इंडियन सिनेमा हिस्ट्री के अंदर मैंने ऐसा ट्रेलर कभी भी नहीं देखा। ना ये ट्रेलर स्लो है, फास्ट है। इतना बड़ा ट्रेलर होने के बावजूद मुझे लग रहा था कि भी और दिखना है, और इसको देखने के बाद बॉलीवुड वाले कहेंगे कि अपने तो लौरे लगा दिए। बॉलीवुड की हिम्मत नहीं है कि इस लेवल का, इस तरीके का कोई मूवी बना पाए और ऐसे कोई ट्रेलर यहाँ पे रिलीज कर। और लिटरली ये सभी चीजें हमें हॉलीवुड के अंदर देखने को मिलते, लेकिन ये जो मास क्लास ट्रेलर बनाया ना, हॉलीवुड वाले भी कहेंगे क्या लेवल का ट्रेलर यहाँ पे बनाया था, ये तो अपने पंगे में भी नहीं। इस ट्रेलर को जस्ट मोबाइल के अंदर देखी, आंखें खुले के खुले रहे, तो सोचो इस ट्रेलर को थिएटर के अंदर देखने में कितना ज्यादा मजा, क्या धमाका होता, आंखें भी कहते क्या दिखा। एंड दोस्तों, सीरियस नोट, ये जो ट्रेलर निकला है, ट्रेलर के अंदर जो जो चीजें हमें देखने को मिला है, इट्स रियल। मतलब ग्राफिक्स भी लग रहा था कि सच में लिटरली धमाका हो रहा है। रामचरण का जो तीर मारने का स्टाइल, वो जो उछल उछल के तीर मार रहे थे, और जो एनटीआर ने जो बाइक ऐसे एक हाथ से घुमा के जो पटक के मारा ना, वो सीन क्या जबरदस्त था भाई साहब। और उसके बाद जो एनटीआर जो बाइक में बैठ के उड़ के जाते हैं, एंड जो धमाका पे धमाका होता है, एंड उसके अंदर रामचरण जूनियर एनटीआर का जो एक दोस्ती वाला एंगल हमें देखने को मिलता है, थोड़ा सा इमोशनल एंगल भी ट्रेलर के अंदर है। लेकिन क्या मचान ट्रेलर है, क्या मचान ट्रेलर है, ग्राफिक से भरपूर, धमाका से भरपूर, और जो बैकग्राउंड म्यूजिक यानी BGM अपना बजता है भाई साहब, इस लिटरली धमाके का रोलर कोस्टर भाई। मैं क्या कहूँ, जितना भी मैं कह रहा हूँ शब्द कम पड़ेंगे इस ट्रेलर को बताने की, एग्जीक्यूट करने की। ट्रेलर की शुरुआत में जो जो चीजें यहाँ पे बोली जाती है, हिंदी डब बहुत ही बढ़िया तरीके से, भाई सभी के जो आवाज है सुनने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। एंड उसके बाद जो फाइट वाइट सीन्स हमें देखने को मिलता है, वो भी काफी अच्छी तरीके से की। BGM तो भाई आउटस्टैंडिंग लेवल का है। वहाँ पे जो एक्शन होते हैं वो देखने में और ज्यादा मजा आता है। जो डायलॉग डिलीवरी होती है दोनों तरफ से, वो भी बहुत ही ज्यादा मचांड वाला। तो सोचो ट्रेलर ही ऐसा लेवल का है, ट्रेलर के अंदर ही लग रहा है कि पूरा पिक्चर हमने देख लिया। तो सोचो जब पूरा फिल्म हम देखेंगे तो क्या बवाल होगा, क्या धमाके से बनाया होगा। ये तो जस्ट 3.5 मिनट का ट्रेलर है, पूरा 3 घंटा या फिर 2 घंटा 55 मिनट का जब हम पूरा इस मूवी को देखेंगे तो क्या हमारे आंखों के सामने होएगा, अपना आंखें भी कहेंगे क्या सुकून दिया आज तूने भाई साहब, मजा आ गया। आप लोगों को ट्रेलर कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बता सकते हैं। क्या आपने क्या नया एक्सपीरियंस किया, क्या आपको एक अलग लेवल का लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बता सकते। मुझे नहीं लगता ऐसा मूवी बॉलीवुड के अंदर बन सकता है, मतलब उनके बस की बात नहीं है, और हॉलीवुड के अंदर भी ऐसे मूवी नहीं बन सकते, क्योंकि ऐसे मूवी इंडियन सिनेमा हिस्ट्री के अंदर ही बन सकते हैं, ऐसे डायरेक्टर्स ही ऐसे मूवी बना सकते हैं। इसके लिए दिमाग जो कि बॉलीवुड के अंदर बिल्कुल भी नहीं है, उनको बस रीमेक पे रीमेक चेपना है, बस उनको वही करना है, असल मूवी नहीं दिखाना है, तो ये असल मूवी इधर ही बनते हैं। तो दैट्स इट। आप लोगों को कैसा लगा, आप लोगों को क्या लगता है, ये ओपिनियन मेरा, जो ओपिनियन है आपको कैसा लगा मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर से बता। ट्रेलर तो जस्ट अभी रिलीज हुआ है, इसको तो रिकॉर्ड के पहाड़ चढ़ने। सो आज का वीडियो खत्म करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, जय।